दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का वीडियो काफ़ी यूनिक टॉपिक के ऊपर रहेगा, काफ़ी डिबेटफुल टॉपिक है दोस्तों। मैं काफ़ी जगह पे देखता हूँ एनालिसिस वगैरह, FIIs और DIIs के डेटा जो रहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ट्रेडिंग डे के बाद, आपने भी काफ़ी बार देखा रहेगा FIIs DIIs के डेटा पे काफ़ी एनालिसिस होता है कि इन्होंने इतना बाई किया है, इन्होंने इतना सेल किया है। और आप जनरली अगर देखोगे तो दोनों अपोजिट चलते हैं, FIIs बाई करते हैं तो DIIs सेल करते हैं, सो ऑन। मैं ये दोनों के डेटा पॉइंट इतना देखता नहीं हूँ, ज़्यादातर मेरा जो फोकस रहता है वो रिटेलर के डेटा पे रहता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अपोजिट ही मार्केट काफ़ी चलता है, क्योंकि आप सभी को पता है स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर्स है वही ज़्यादातर कमाते हैं इस मार्केट के अंदर। सो ये भी काफ़ी डिबेटफुल स्टेटमेंट है दोस्तों, आप काफ़ी लोग इससे एग्री करेंगे, काफ़ी लोग नहीं करेंगे। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। सो वो डेटा कहाँ पे देखते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, वो सब आज के वीडियो के अंदर देखने का ट्राई करेंगे हम। उसके लिए तो काफ़ी सारे वेबसाइट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। मैंने जो देखा था ये फ्री वेबसाइट है स्टॉकेज का, सो आप अगर स्टॉकेज सर्च करते हो तो गूगल के ऊपर मिल जाएगा आपको। उसके अंदर अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको देखेगा न्यूज़ एंड अपडेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो FIIs DIIs की एक्टिविटी भी देखते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है वो कैश मार्केट का है और नीचे जो है यहाँ पे देख सकते हो आप इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। अगर आप यहाँ पे आते हो फ्यूचर OI के ऊपर, यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्रीन कुछ दिखता है। इधर अगर आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे पार्टिसिपेंट के आने के बाद आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखती है कैलेंडर फॉर्म में। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च 2021, बाद में फेब 2021 और सो ऑन, ऐसे दो तीन महीने यहाँ पे दिखते हैं। आपको दिखेगा यहाँ पे जो ग्रीन है वो जो है लॉन्ग है और रेड कलर का जो है वो शॉर्ट है। इसके ऊपर यहाँ पे वापस से इंडेक्स प्लस स्टॉक्स दोनों भी दिखते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों FIIs जो है वो नेट बायर थे कंटिन्यूसली, आप देख सकते हो यहाँ पे, और DIIs भी देख सकते हो ये तो कंटिन्यूसली शॉर्ट कर रहे हैं। और जो मैं दोस्तों डिस्कस कर रहा था वो जो है रिटेलर का क्लाइंट के ऊपर आपको दिख जाएगा। दोस्तों आप एक चीज़ अगर देखोगे तो जनवरी दिसंबर से ये डेटा जो है काफ़ी रेड था, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन पे थे ये लोग। ये जो रिटेलर्स है यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप दिसंबर से लेके कंटिन्यूसली यहाँ पे शॉर्टिंग मोड में थे, आप देख सकते हो जनवरी तक, बाद में ये ग्रीन होना चालू हुए थे धीरे धीरे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च के ऊपर उन्होंने काफ़ी हेवी पोजिशन जो है लॉन्ग था, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो 3000 बाद में 700 3000 ये रेंज के अंदर एवरेज था, बट मार्च के अंदर उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो 37000 देन 44000 31000। अगर आप पिछले मंथ से कंपेयर करोगे तो काफ़ी हेवी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे हम इंडेक्स में देख रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ है, जब भी मार्केट इतना रिटेलर से क्राउडेड होता है, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी हेवी बिल्डअप हो रहा था लॉन्ग पोजीशन के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंडेक्स के ऊपर, आप स्टॉक्स के ऊपर भी देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे हेवी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए जा रहे थे, तो इतने आसानी से पैसा तो बनता नहीं है दोस्तों। इसी का रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली यहाँ से बाद में काफ़ी अच्छा फॉल किया, अभी रिसेंट डेज के अंदर दिस वीक काफ़ी अच्छा फॉल किया है। ऑलमोस्ट अगर निफ्टी आप टॉप से देखोगे तो 15,300 से ऑलमोस्ट इसने लो लगाया था 14,350 के नियर बाय, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आया था। अभी मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर ही आपको डिपेंड करना है, ऑब्वियसली ये एज एन पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हो ये डेटा जो है। ये नहीं है दोस्तों कि आपको यही डेटा के ऊपर आपका ट्रेड डिसीजन वगैरह जो है वो लेना है, जस्ट एन एक पैरामीटर आप कन्फर्मेशन के लिए ये ऐड कर सकते हो अलॉन्ग विथ प्राइस एक्शन वगैरह ऑब्वियसली। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि मैं इस बेसिस के ऊपर ट्रेड लेता हूँ, बट ये कन्विक्शन के लिए अच्छा रहता है, ये मैं डेटा हमेशा देखते रहता हूँ, काफ़ी हेल्प होती है इससे भी। ये बेसिस के ऊपर दोस्तों अपना पोर्टफोलियो भी बना हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लैग ब्रेकआउट जैसे दिया था बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था, ये लोगों के नीचे हमने जो है यहाँ पे इंडेक्स को भी शॉर्ट किया था पोर्टफोलियो हेज करने के लिए ऑब्वियसली। तो दोस्तों शॉर्ट किया था दैट मीन्स रिस्क डिफेंस स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, जैसे कि अपना पुट क्रेडिट स्प्रेड वगैरह। अगर आपको वो स्ट्रैटेजीज पता नहीं है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट काफ़ी बेसिक्स है तो सभी को पता रहेगा ऐसा एज्यूम करता हूं मैं। अगर नहीं भी रहेगा तो आप ज़ीरोधा वर्सेटी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। यस दोस्तों यही जो है एक डेटा पॉइंट के ऊपर सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, इतना कुछ खास नहीं है बट आप जस्ट एंड पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। अभी जब तक थोड़ा वो डेटा यहाँ पे न्यूट्रल वगैरह हो नहीं जाता है तब तक मार्केट रैली देगा नहीं देगा पता नहीं। अभी अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी, जब से कोरोना फॉल आया था आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था निफ्टी यहाँ पे, और
अभी जो है काफ़ी दिनों बाद ब्रेक किया है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि मंडे को देखना पड़ेगा रिएक्शन वगैरह, प्राइस स्ट्रक्चर कैसा बनता है, सो उस बेसिस के ऊपर फर्दर डिसाइड करेंगे। और ये सब चीज़ें दोस्तों मैं टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट करते रहता हूँ, थोड़े बहुत एनालिसिस वगैरह मेरा जो भी रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर कुछ अपडेट वगैरह देना है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करते रहता हूँ। मैक्स नॉलेज अगर सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। सो काफ़ी छोटा शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था दोस्तों। और दोस्तों ये स्टॉकेज वगैरह ऐप का कुछ ऐसा प्रमोशन नहीं है, आप अगर चाहो तो दूसरे साइट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट ये फ्री है और इसका मोबाइल का ऐप भी है तो काफ़ी हैंडी है यूज़ करना, तो आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अदर साइट भी है जो कि आप देख सकते हो, ऑप्सा डिफाइन एज वगैरह, मैं ये भी रेफ़र करता हूँ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये भी क्लाइंट डेटा और यहाँ पे FIS DIS डेटा सबका डेटा देता है। सो यहाँ पे भी दोस्तों देखोगे तो नीचे जो ये क्लाइंट का पोजिशन जो है वो पर्पल का है अगर आप देखोगे तो, और इंडेक्स लॉन्ग वगैरह का दिखाया है यहाँ पे, ऑब्वियसली हमने इंडेक्स सर्च किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं जस्ट यहाँ पे पिन पॉइंट करता हूँ। सो दोस्तों हम ये भी कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि हम बस दोस्तों क्लाइंट डेटा को रीड करने का ट्राई करेंगे। कभी भी देखो दोस्तों यहाँ पे, जब भी आप देखोगे कि ये जो है क्लाइंट डेटा, यहाँ पे देखो शॉर्टिंग शॉर्ट बिल्डअप होना चालू है, तो प्राइस देखो अपसाइड मोमेंटम हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी रिटेलर्स ने शॉर्टिंग करी थी, इंडेक्स शॉर्ट वगैरह आप देख सकते हो, तो यहाँ से जो है इंडेक्स अप गई थी, ठीक है। सिमिलरली चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्टिंग चालू हुई थी इस साइड से, तो यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दी थी। सिमिलर थिंग इज़ हैपनिंग दोस्तों यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आप वापस से यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम चालू हुए, मतलब क्लाइंट्स रिटेलर्स का जो लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे नीचे के फेवर में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वैसे अगर जाता है तो एक नया रैली भी आ सकता है। तो देखना पड़ेगा मंडे को रिएक्शन वगैरह कैसे आता है, नेक्स्ट वीक का रिएक्शन कैसे रहता है, तो प्राइस स्ट्रक्चर वैसे कैसे बनता है वगैरह वो देखना पड़ेगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, इसको मे भी काफ़ी लोग एग्री कर सकते, काफ़ी लोग नहीं कर सकते, तो ये तो मैं यूज़ करता हूँ, इसके लिए शेयर करने का ट्राई किया। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।